इसराइल हमास और इसराइल ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष से मिडिल ईस्ट में भूचाल आ रखा है। हाल के वर्षों में देखें तो मिडिल ईस्ट में ईरान एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। धीरे धीरे इसराइल पर शिकंजा कसने के लिए ईरान ने लड़ाकों की एक बड़ी और खूंखार फौज खड़ी कर दी है, जो इसराइल को चौतरफा घेरे हुए है। यही वजह है कि दोनों देशों में तनातनी बहुत बढ़ गई है। इसराइल के साथ जारी तकरार के बीच ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर भी खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। ईरानी सांसद जवाद करीमी ने दावा किया है कि परमाणु बम के आदेश जारी होने से लेकर पहले परीक्षण तक केवल एक सप्ताह का अंतर है, यानी अगर ईरान के सुप्रीम लीडर इजाजत दें तो ईरान परमाणु बम का टेस्ट करने से सिर्फ एक हफ्ते दूर है। खास बात यह है कि इतने कम समय सीमा का जिक्र कर ईरानी नेता के बयान से साफ होता है कि ईरान के पास परमाणु बम को लेकर सभी आवश्यक तकनीक अब उपलब्ध है। ईरानी सांसद का ये बयान इसराइल के साथ बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिसने अकेले इसराइल को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी सकते में डाल दिया है। हालांकि इस बयान से मचे हड़कंप के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ईरान के सैन्य सिद्धांत में परमाणु हथियारों की कोई जगह नहीं है। मालूम हो कि ईरानी सांसद जावेद करीमी घरेलू और विदेश नीति में अपने कट्टरपंथी रुख के लिए जाने जाते हैं। अक्सर इसराइल के खिलाफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर भड़काऊ बयान देते रहे हैं। उन्होंने एक बार चेताया था कि दुनिया भर में प्रतिरोध मोर्चों की हत्या की कोशिशों का जवाब ईरानी मिसाइलों से दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने जोर देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों का हमारे परमाणु सिद्धांत में कोई स्थान नहीं है। इसके अलावा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल अहमद हक्तलाब ने हाल ही में संकेत दिया था कि इसराइल की धमकियां ईरान को अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करने और अपने पिछले विचारों से भटकने के लिए मजबूर कर सकती है। ये बाहरी सैन्य दबावों के जवाब में ईरान की परमाणु रणनीति में संभावित बदलाव का सुझाव देती है। बता दें कि अमेरिका और इसराइल समेत तमाम पश्चिमी देश ईरान पर आरोप लगाते आए हैं कि तेहरान चोरी छिपे कई सालों से परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इन आरोपों को ईरान नकारता आया है। खास बात यह है कि साल 2015 में ईरान ने चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका के साथ परमाणु कार्यक्रम बंद करने को लेकर एक डील की थी। हालांकि बीच बीच में कई ऐसी अमेरिकी रिपोर्ट्स आई जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्लान पर खुलासा हुआ। 2023 में अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज जारी कर ये दावा किया कि पहाड़ के नीचे ईरान की परमाणु फैसिलिटी जारी है। ऐसी आशंका जताई गई कि अगर ईरान चाहे तो दो हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। खबर के मुताबिक ईरान 83.7% प्योर यूरेनियम बनाने में कामयाब भी हो गया है। हालांकि परमाणु हथियार बनाने के लिए 90% प्योर यूरेनियम होना चाहिए, यानी दावा किया गया कि ईरान परमाणु हथियार से ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में आने वाले दिन मिडिल ईस्ट के लिए काफी अहम रहने वाले हैं, जो इस इलाके की दशा और दिशा तय करेंगे।